बिहार में झोला छाप डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां इलाज के दौरान किडनी निकालने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि उसी सकरा इलाके के दूसरे झोला छाप डॉक्टर का मामला सामने आया है, जहां एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल मुरादपुर निवासी विलास राम की पत्नी ललिता देवी को परेशानी होने पर पचदही स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था, जहां झोला छाप डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को कहा कि ऑपरेशन कर यूरिन के लिए पाइप लगानी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएगा। पाइप लगाते ही ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। वहीं झोला छाप डॉक्टर की इलाज से मौत पर सिविल सर्जन ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर कैंसर का रूप ले लिए हैं। वहीं महिला की मौत की जांच के लिए टीम बनाई गई है। पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जिले के 16 प्रखंडों के सभी अवैध नर्सिंग होमों की जांच करवाई जाएगी। झोला छाप डॉक्टर जो है कैंसर से भी ज्यादा संक्रामित लग रहा है हमको, कि बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है समाज में। इस पर जितना तक हो सकता है उतना तक मैं कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा और शुरू कर दिया हूँ करने। उसके लिए जांच दल बनाया है, जांच दल सकरा गया है जांच करने के लिए। मैं पूरा जिला के 16 प्रखंड में जितने चिन्हित हैं उनको और चिन्हित हैं उनको दोनों को मैं जांच करा रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ से रजिस्टर्ड हैं वो हैं तो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं है, उनके यहाँ जो चिकित्सक का जो लिस्ट दिए हैं उसके हिसाब से चिकित्सक हैं या नहीं है, केवल नाम है या वो काम करते भी हैं, और उनका मानक के हिसाब से जो कुछ चाहिए वो सब है या नहीं है, इसको मैं देख रहा हूँ। सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों से भी हम अपेक्षा करेंगे, मीडिया बंधु भी इसमें सहयोग करें। जब तक मीडिया बंधु का सहयोग नहीं होगा, जन जागरण नहीं होगा, जनता में इसकी अधिक से अधिक नहीं होगा कि कुएं से अलग रहें, उनके यहाँ नहीं जाएं। अगर आपको बता दी कि कुछ दिन पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक क्लिनिक के बाहर एक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामा कर रहे लोग डॉक्टर पर महिला की किडनी निकाल लेने का आरोप लगा रहे थे। लोगों का आरोप था कि झोला छाप डॉक्टर ने महिला के पेट में दर्द की शिकायत पर उसका ऑपरेशन कर दोनों किडनी ही निकाल ली। हालांकि महिला सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर पुलिस चौकी के तहत आने वाले बाजी राउत गाँव का है। परिजनों के मुताबिक महिला की किडनी निकाले जाने की जानकारी उन्हें तब हुई थी जब महिला की तबीयत बिगड़ी और उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। पुलिस का इस मामले पर कहना था कि डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। पहले किडनी निकालना और अब मुजफ्फरपुर से ही दूसरा मामला सामने आना, जहां एक महिला की मौत तक हो जाती है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।